फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने एंटीप्लेप्टेड ड्रग्स के इंडिकेशंस देख लिए हैं। अभी हम लोग एंटीप्लेप्टेड ड्रग्स और उसके डोजेस वगैरह कैसे कैसे देना है ये भी देखेंगे, और जो जनरलाइज्ड सीजर्स के लिए क्या देना है और फोकल सीजर्स के लिए क्या ट्रीटमेंट देना है वो भी हम लोग ये भी देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले अभी हम लोग एंटीप्लेप्टेड ड्रग्स में जो जनरलाइज जो सीजर्स के लिए, जो कि हम समझे फॉर एग्जाम्पल फॉर जनरलाइज टोनिक सीजर्स के लिए हम लोग क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देना है ये सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, फॉर जनरलाइज टोनिक क्लोरिक कन्वर्जेंस के लिए सबसे पहले जो हम लोग ड्रग्स देने वाले हैं वो अभी हम लोग देखेंगे, वैलप्रिक एसिड, ठीक है। ये फ्रेंड्स, जो वैलप्रिक एसिड जो है ये एंटी कन्वर्जेंस ड्रग्स के ग्रुप में आता है फ्रेंड्स, ठीक है। वैलप्रिक एसिड एंटी कन्वर्जेंस ड्रग्स के ग्रुप में आता है। ये कैसे वर्क करता है, ये क्या करता है फ्रेंड्स, आपके जो गाबा है ना, गामा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड, ठीक है, जो हम लोग सबसे पहले देखा था कि गाबा का है फ्रेंड्स, न्यूरो ट्रांसमीटर है, जो कि गामा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड जो न्यूरो ट्रांसमीटर का काम करता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये न्यूरो ट्रांसमीटर का क्या, जो ब्रेन को जो हमारे सिग्नल्स वगैरह जाते हैं वो सब वो रेगुलेट करने का काम ये गामा एमिनोब्यूटरिक एसिड, जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स का रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये फ्रेंड्स, ये गामा एमिनोब्यूटरिक एसिड वैलप्रिक एसिड क्या करता है, ये इसका गामा एमिनोब्यूटरिक एसिड का जो न्यूरो ट्रांसमीटर का वो प्रोडक्शन वगैरह ज्यादा करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे वैलप्रिक एसिड का गामा एमिनोब्यूटरिक एसिड वगैरह जो है न्यूरो ट्रांसमीटर वगैरह उसका स्टेबलाइज करते हैं, वहाँ पे वर्किंग वगैरह उसका बढ़ा देते हैं और वहाँ पे सीजर एक्टिविटी को भी रिड्यूस कर देते हैं। ये फ्रेंड्स, उसका डोजिंग 750 mg टू 2000 मिलीग्राम, मतलब वहाँ पे 2 ग्राम पर डे के हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर वैलप्रिक एसिड का डोज कितना, 750 mg टू 2000 mg पर डे के हिसाब से हम लोग ये पर डे के हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। इसका डोजिंग कैसा यूज करना होता है फ्रेंड्स, 20-60 मिलीग्राम पर के जी पर डे के हिसाब से हम लोग ये डिवाइडेड डोजेस में हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। ये पेशेंट को वेट वगैरह कैलकुलेट करके वेट वगैरह चाहिए 20-60 mg पर के जी पर डे के हिसाब से हम लोग ये डिवाइडेड डोजेस में दे सकते हैं, या फिर 750 mg टू 2000 mg, मतलब पेशेंट को नीड कैसे है उसके हिसाब से हम लोग डिवाइड करके ये पेशेंट को डोजेस वगैरह दे सकते हैं वैलप्रिक एसिड का।